एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने सवाल किया, दो पहाड़ों के दरमियान जितनी जगह होती है इतनी बकरियां थी हुजूर के पास, हुजूर ने सारी उसको अता कर दी। वो वापस जाके अपनी कौम से कहने लगा कि मोहम्मद अरबी ऐसा शख्स है, इतना अता करता है कि फिर कमी का शायबा ही बाकी नहीं रहता। तीसरी बात, हजरत अनस फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असनन्नास व अजवदन्नास व अशजअन्नास। कहते हैं कि हुजूर जितने दलेर थे, जितने बहादुर थे, कायनात के तर इतना बहादुर हमने कोई नहीं देखा। मौला कायनात फरमाते थे, जब जंग की भट्टी गर्म होती तो हम देखते कि सबसे आगे बढ़कर हमला करने वाले मोहम्मद अरबी ही हुआ करते थे और हम हुजूर अलैहिस्सलाम की ओट में हुआ करते थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अपनी तलवार से और अपने नेजे से जो है वो किसी को कत्ल नहीं किया है। सिर्फ उबई बिन खल्फ वो बदनसीब शख्स था जिसने कहा था कि मैंने घोड़ा रखा है जिसको 16 रतन मकई के दाने रोज डालता हूं और इस घोड़े के ऊपर सवार होकर मैं आऊंगा और ऐ मोहम्मद माजल्ला आपको शहीद कर दूंगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने चाहा तो मैं तुझे कत्ल करूंगा। और फिर गजवाए उहद के मौके पर जब वो आया, कहने लगा कि मेरा रास्ता छोड़ दो, और फिर वो घोड़ा लेकर के आगे बढ़ा। सहाबा आगे बढ़ने लगे तो हुजूर ने फरमाया, पीछे हट जाओ। हजरत हारिस बिन सम्मा से हुजूर ने छोटा सा नेजा लिया और आगे बढ़ के अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उसके गले के करीब उसका हल्का सा कचोका दिया और छोटा सा जख्म उसकी गर्दन पर लगा तो वो भागता था और चीखता था और कहता था कि कातलनी मोहम्मद, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया है। लश्कर वालों ने कहा, उबई बिन खलफ अजीब बात है, एक छोटा सा जख्म है और तू इतना शोर डाल रहा है। उसने कहा, तुम नहीं जानते हो कि मुझे कितनी इसकी तकलीफ हो रही है, अगर मेरी इस तकलीफ को पूरे लश्कर में बांट दिया जाए तो सारा लश्कर मर जाए, जो तकलीफ मुझे मोहम्मद की इस जरब से पहुंची है। उसने कहा, मुझे मोहम्मद ने कहा था कि तुझे मैं कत्ल करूंगा, उसने तो फिर मुझे नेजा मारा है, मुझे यकीन है कि अगर वो मेरी जानब गुस्से से थूक भी देता मैं फिर भी ना बच सकता। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की जो है वो दलेरी और बहादुरी के किस्से हैं। क्या का करीम अलैहिस्सलाम की जरब को कौन बर्दाश्त करे, एक मामूली खराश बर्दाश्त न कर सका और नारे जहन्नम में जहन्नम का वो कुत्ता जा पहुंचा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत के इस उनवान को हजरत अनस ने कितने खूबसूरत अंदाज में बयान किया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन्नास व अजवदन्नास व अशजअन्नास। लोगों में सबसे दलेर भी हुजूर, सबसे सखी भी हुजूर और सबसे सूरत और सीरत में हसी भी हुजूर। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवाए हुनैन के मौके पे आप देखें, सफेद खच्चर के ऊपर सवार है और एक पहाड़ी दरे में काफिर घात लगाए बैठे थे। जब अचानक उन्होंने तीर अंदाजी की तो लश्कर इस्लाम में भगदड़ मच गई। उस वक्त हुजूर थे जो खच्चर को आगे बढ़ा रहे थे, हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला ने रिकाब थामे थे और आका करीम कह रहे थे, अनन नबी ला कज़ब आना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का ये अंदाज के जब मैदान के अंदर भगदड़ मची है तो सबसे आगे बढ़ करके कुफार पर हमला करने वाले सफेद खच्चर के ऊपर मुस्तफा हैं। उलमा ने हुजूर की बहादुरी किस किस्से को बयान करते हुए फरमाया, जंगों में खच्चर का सफेद होना, एक तो खच्चर का होना बहादुरी पे दलील है, इसलिए कि घोड़े रखे जाते हैं कि भागना आसान हो, और दूसरा मटियाले रंग के जो है वो जानवरों की सवारी की जाती है, ये फौज की वर्दी का रंग मटियाला, इसकी हिकमत भी ये है। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम सफेद खच्चर पे जो है वो सवार थे, हुजूर इतने शजा थे, इतने बहादुर थे, मैदान में भागने के लिए नहीं आते थे बल्कि हुजूर कुफर के छक्के छुड़ाने के लिए मैदान में दाखिल हुआ करते थे। आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत का वो कौन सा पहलू है और वो कौन सा रंग है जिसने मुआशरे को रोशनी और मुआशरे को उजाला नहीं दिया, आज मेरे और आपके आका मौला की ये सीरत हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का हकदार बनाएगी। हुजूर इस दुनिया के ऊपर मकारम अखलाक की तकमील के लिए जलवागर हुए और कुरान आपके खुल्क की गवाही है, इसलिए हुजूर की सीरत को अपनाने का तकाजा यकीनन आज की इस बाबरकत महफिल में आज का ये इज्तिमा हमसे कर रहा है। हम अपनी जिंदगी को और तर्ज हयात को हुजूर की सीरत के सांचे में ढाल करके
जिंदगी की एक एक सांस और एक एक लम्हा हुजूर के नाम पे गुजार देंगे। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने जिस अंदाज से अपना खूबसूरत जमाना और हयात ज़ाहरी का वक्त गुजारा और हमारे लिए रोशनी छोड़ी, वो कयामत तक आने वाली नस्लों के लिए एक उजाला है। उम्मत मुस्लिमा भांज नहीं है कि उसको इबादत का तरीका किसी और जगह से लेना पड़े और हुस्न अखलाक किसी और जगह से लेना पड़े, उसको कवानीन किसी और जगह से लेने पड़े और उनको जो है वो अपनी आयली जिंदगी का निज़ाम किसी और जगह से लेना पड़े। हमारी जिंदगी के सारे नमूने मुस्तफ़ा करीम की ज़ात में मौजूद हैं। मेरे रब ने कहा, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुजूर की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह हुजूर की जिंदगी का नूर हमारे मन में उतार दे, हमारे बातन को हरारत और नूर और उजलापन नसीब करे। कारे माँ आखिर शुदो आखिर ज़े माँ कारे नशुद, मुश्ते खाके माँ गुबारे, ऊँचा यार नशुद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।